नमस्ते दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मैं अनीता आपको पढ़ा रही थी जीएस जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में अपन क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखो, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। अपन पढ़ रहे थे बीमारियां, डिजीज, जो किसमें रिलेट होती हैं? जूलॉजी के अंदर। तो अब देखो, अपन चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपने पीछे वाला, मैं मान रही हूँ ऐसा, कि सबने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी, को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखो, डिजीज के नेम दे रखे हैं, भाई कौन सा अदर नेम है? जैसे अपने होते हैं ना अलग अलग नाम, चिंटू मिंटू घर पे, ऐसे कोई अलग अलग नाम है। वैसे इन बीमारियों के भी दो दो तीन तीन नाम है। हिंदी में बोले कुष्ठ रोग, इंग्लिश में बोले लेप्रोसी, तो इसका अदर नाम है हैंसन डिजीज, हैंसन का रोग। ठीक है, तो इसका ये नाम अदर नेम है। आ गया समझ में? देखो, देखे तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जीके की तरह। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, कैंसर शब्द ग्रीक भाषा के कार्सिनोजन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है, मैंने आपको पढ़ाया था, पहले पढ़ाया था, देखो इसका मतलब है ऑनकोलॉजी, जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है ना, वो एक आपके पास ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है ऑनकोलॉजी। ऑनकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि कैंसर है, ये कार्सिनोज से बना है, तो कार्सिनोज का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखो कैंसर एक बीमारी है, ये तो आपको पता है, जहरीला। कैंसर जो पदार्थ फैलाते हैं ना, बेंजीन तथा इसके युत्पन्न होते हैं, बेंजीन रिंग होती है ना, दो या दो से ज्यादा बेंजीन अगर फ्यूज हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं, तो वो जो पदार्थ होते हैं ना, वो जो यौगिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कार्सिनोजन होते हैं। पर ये पूछ रहा कि कार्सिनोजन का जो अर्थ है ना, वो क्या है? ठीक है, तो उसका मतलब होता है केकड़ा। देखा होगा केकड़ा, केकड़ा खाने के काम में भी आता है, समुद्री केकड़ा, जैसे मछलियां आती है ना, फिश प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, झींगा प्रॉन मछली, ये जो भी है ना, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? कार्सिनोस का मतलब होता है केकड़ा। ठीक है, सब सारे मतलब लोग, ये जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है ये फैक्चुअल है, आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, बार बार पढ़ने पर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? ये सारी चिकित्सा की शाखाएं हैं, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी शाखा। ठीक है, तो इसने बोला चरक संहिता, चरक संहिता कहाँ से ली जा रही है? ये है आयुर्वेदिक, आयुर्वेद से रिलेटेड। ठीक है, चरक संहिता चिकित्सा की एक ब्रांच है जो आयुर्वेद से रिलेटेड है। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, तो आयुर्वेद देखो, ये जो अपना सामान्य ये जो इलाज करते हैं ना डॉक्टर, इनसे थोड़ा बेहतर होता है, धीरे धीरे काम करता है, पर इनसे अच्छा होता है। ठीक है, इंग्लिश दवाओं से। तो ये किससे रिलेट है? चरक संहिता आयुर्वेद से। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? चले नेक्स्ट पर। देखो, आप बार बार रिवाइज करें डियर स्टूडेंट, आप बार बार पढ़ते रहें, तभी आपको याद होंगे, और तभी आपको, और साथ में एक ये काम अवश्य करें, नोटबुक लेके बैठें और नोटबुक लिख के उसके आगे छोटा नाम लिखा चरक संहिता, फिर आगे लिख दें आयुर्वेद, बाकी जो अन्य है ना, वो उनको भी आप याद करते जाएं, इसी फॉर्म में आपको याद होंगे। ठीक है, और एक बार याद कर लें, एक बार पढ़ने के बाद में ऐसा याद कर लें कि इनको दोबारा ना पढ़ना पड़े, जिस भी एग्जाम का आपका लक्ष्य है उसको सबसे पहले करेक्ट करें। अब देखो, यही है कि ये जो डिजीज है, जहां जहां आपके साइंस आती है, जीएस आती है, उस एग्जाम में हर एक में आपके पास में क्या आते हैं? ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे वो अदर स्टेट की हो, ठीक है, चाहे वो राजस्थान की हो, किसी भी एग्जाम में जहां जीएस आ जाती है ना जनरल साइंस, तो उसमें ये एग्जाम, ये सॉरी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है अपने नाक में। ठीक है, तो अपने को जुखाम हो जाती है, तो जुखाम होने पे देखो अपने को सुगंध वगैरह महसूस नहीं होती है किसी भी चीज में, तो उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, तो उस सूजन को बोलते हैं देखो ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब ऐसे फेफड़े से भी लिया जाता है। अब श्वास है, तो श्वास कहाँ से ले रहे हैं अपन? नाक से ले रहे हैं, जाता कहाँ है? लंग्स, फेफड़े के अंदर जाता है। तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब आगे आएंगे, इसलिए मैं नहीं बताती जा रही हूँ। हिपेटाइटिस पीलिया से रिलेटेड है। ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसमें, ऑर्थराइटिस है, आर्थराइटिस नहीं, ऑर्थराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नीशिया।
मिल्क बोल रहा है, मिल्क प्रकार किया जाता है। तो देखो किस प्रकार, एंटीबायोटिक, ऑप्शन देखना, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक औषधियां वे होती हैं जो वायरल इन्फेक्शन को कम करती हैं, रोकती हैं, ठीक है। अभी जो वायरल हो जाता है, अपने को बीमार हो जाते हैं तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो दी जाती है वो अपने को क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। ये बोल रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, जहां केमिस्ट्री आ जाती है ना थोड़ी, वहां ये आता है। ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+ ही 2, इसके साथ में जुड़ा होता है ओ एच आयन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ओ एच, ये जुड़ा होता है इसके साथ में, ठीक है, ओ एच। अब इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है, और ओ एच की होती है माइनस की 1। संयोजकता हमेशा विपरीत गुणा होती है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, इसकी यहाँ 1 है तो इसकी यहाँ 2 करेंगे, प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया जाता। ये फॉर्मूला होता है किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ये एज ए बेस काम करता है, एज ए क्षार काम करता है, बेस। अब ये बोल रहा है कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, जब अपने को एसिडिटी हो जाती है ना, एसिड, देखो एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके क्या है, न्यूट्रल काम करते हैं, एसिड और बेस, तो बनता है अपने पास में क्या, सोल्ट फॉर्मेशन हो जाती है, और H2 न्यूट्रल रिएक्शन हो जाती है, उदासीन अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो अपने को हो गई एसिडिटी, और एसिडिटी को बोला जाता है लेक्टेसिव। देखो हिंदी में कितना अच्छा नाम है, गुट्टी देते हैं ना गुट्टी, तो ये बोल रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की गुट्टी दी जाती है। कब दी जाती है, जब आपको एसिडिटी हो जाती है, एसिड अपनी बॉडी में बन गया और बेस आप बाहर से ले रहे हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सोल्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, और इससे सोल्ट फॉर्मेशन होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग लैक्टेसिव के रूप में किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं गुट्टी, ठीक है, आ गया समझ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट, मलेरिया दी दवाओं के, ये एक जीके का क्वेश्चन चला जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कब, वो देखो ईयर दे रखा है 2015 में, 2016 का भी आपके पास में अगर याद है तो एक क्वेश्चन आ गया होगा, इंडिया को रेबीज रोधी वायरस के लिए मिला था। मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह दवा किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है, बोल रहा है कि 2015 में क्या है, मलेरिया रोधी दवा बनाई थी। वैसे तो देखो ये सिनकोना पेड़ होता है, ठीक है, उसकी छाल से निकाला जाता है मलेरिया रोधी, ठीक है, वहां से निकाला जाता है, तो कुनेन नाम की औषधि बनती है। पर यहां देखो आपके पास में ये जो नाम दे रखे हैं, ये इंग्लिश के नेम है, यहां देखो अजवाइन, हल्दी, लहसुन, अदरक, इनमें से किन से मिलता है मलेरिया रोधी आपके पास में जो दवाई है वो, तो ये देखो आपके पास में दे रखा है अजवाइन। अजवाइन का नाम होता है आर्ट मिशनिन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ये। तो आपके पास में मलेरिया की जो दवा बनती है वो किससे बनती है, अजवाइन से बनती है, आर्ट मिशनिन से बनती है, ठीक है। क्वेश्चन देखो जीके में जा रहा है, फिर से देख ले, 2015 में, मैं फिर से आपको बता रही हूं, जो कोई नोबेल प्राइज दिया जाता है किसी भी डिजीज है उस, फिर कोई साइंटिस्ट हैं, कौन से देश के हैं वो, किनको दिया जा रहा है, किस खोज के लिए दिया जा रहा है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो उस ईयर से उस महीने में 2-3 पहले महीने का करंट भी पढ़ना होता है, किससे रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, ठीक है। तो आगे समझ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है स्लीप एनीमिया, सोते समय से संबंधित है, स्लीप एपनिया रोग, सॉरी एनीमिया नहीं, एनीमिया तो ब्लड की कमी से होता है, ठीक है। स्लीप एपनिया सोते समय क्या करते हैं, अब सोते समय चलते हैं क्या, चल भी लेते हैं कई कई लोग, तो ऐसी बात नहीं है, फिर देखो बात करना, खराटे मारना, मुस्कुराना। अब सोते समय इनमें से जो भी आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है, देखो खराटे मारना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है सोते टाइम खराटे लेना, ठीक है। वो पास वाले जो होते हैं ना, उनको भी नहीं सोने देते हैं, कई कई लोग तो बहुत जोर जोरों से लेते हैं। ये बोल रहा है स्लीप एपनिया, सोते समय क्या करना, खराटे मारनिया, इसको क्या बोलते हैं, स्लीप एपनिया, ठीक है, आ गया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किडनी स्टोन पथरी के गठन का कारण नहीं है, पथरी बन जाती है, ठीक है, अपने मतलब किडनी के अंदर, पथरी का मतलब जानते हैं, ऑक्सेट्स होते हैं कैल्शियम के, फॉस्फेट के, वो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको पथरी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं। तो देखो ये बोल रहा है अधिक पानी पीना, जब भी किसी को पथरी हो जाती है डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है पानी अधिक पियो ताकि वो पिघले और पिघल के क्या हो जाए, बाहर आने की ट्राई करे। तो ये तो क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले यहां जाए नहीं है, नहीं है मतलब यही नहीं है, सबसे पहला ऑप्शन देखो
अधिक पानी पिएंगे तो अपने आप क्या है, बार बार यूरिन फॉर्मेशन होगा और वो अपने आप थोड़ा थोड़ा डिजोल्व होके पिघल के बाहर आता रहेगा। डायबिटीज मेलिटस ये किसका है, मधुमेह का है। ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना, सबसे ज्यादा ऑक्जेलेट्स पाए जाते हैं काजू में। जब भी अपन काजू खाते हैं ना तो काजू से पथरी बनने की समस्या सबसे पहले उत्पन्न होती है, ऑक्जेलेट का मतलब ये होता है, ठीक है। पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना, ये तो अधिक सेवन करेंगे तो ये तो अधिक बनेगी, जो आपके पास में पथरी है ना किडनी स्टोन वो तो ज्यादा बनेंगे, ये लेंगे तो ठीक है, ये लेंगे तो भी ज्यादा बनेंगे। डायबिटीज मेलिटस ये किसका है, शुगर, जो अपन क्या बोलते हैं मधुमेह जिसको बोलते हैं, ये उसका नाम है मधुमेह है। अब पानी ज्यादा पियेंगे तो क्या करेगा, किडनी स्टोन नहीं बनेगा, क्योंकि आप सबसे पहले इन पे चले जाना, नहीं दे रखा है, सत्य दे रखा है, असत्य दे रखा है, क्या दे रखा है, ठीक है, तो उस पे देखा तो इसका अधिक पानी पीना, अधिक पानी पीने से नहीं बनता। आ गया क्वेश्चन समझ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा एक ही, देखो यहाँ ऑप्शन एस टाइप से आ रखा था, ये फिल इन द ब्लैंक्स था एक टाइप से, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रखा था आपके पास में, एक ही क्या होगा, एक बीमारी का एक ही बैक्टीरिया, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, होता है ऐसा, होता होगा, फिर भी आगे चलते हैं। एक बीमारी का एक ही उपचार होता है, फिर भी और आगे चलते हैं। एक बीमारी का एक ही डॉक्टर होता है, ये तो अपन देखते हैं, पर एक बीमारी का हमेशा एक ही कारण होता है, ठीक है। अगर आप ऑक्जेलेट से पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा है आपने, पीछे जाएं, ऑक्जेलेट से भरपूर अगर कोई चीज खाएंगे, ऐसे नट्स खाएंगे, तो आपको सिर्फ क्या बनेगी, पथरी बनेगी। बाकी तो देखो काजू है ना वो फायदेमंद होता है शरीर के लिए, तो वो एक ही कारण हुआ कि वो पथरी किडनी स्टोन बनाने का कारण होगा, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं कि एक बीमारी का हमेशा एक ही क्या होता है, कारण होता है, कारण एक ही है, फैलाने वाले बैक्टीरिया अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका उपचार अलग अलग तरीके से हो सकता है उसका, ठीक है। और डॉक्टर ये तो छोड़ दें, डॉक्टर तो काफी हो सकते हैं उसके, ठीक है। अब दे रखा है कारण, कारण हमेशा एक ही होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मी हाथी पांव का कारण होता है। हाथी पांव ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया, अगर आपको ध्यान में है, देखो जो स्टूडेंट पढ़ता है ना उसको अपने आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके माइंड में रिकॉल हो जाता है। इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये मैंने पहले पढ़ा, तो इसका मतलब आपको याद आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिसको नहीं याद आ रहा है उसका क्या है, उसको बार बार पढ़ने की नीड है, ठीक है। अब देखो हाथी पांव, पांव होते हैं ना पांव, वो भारी हो जाते हैं, हाथी जैसे हो जाते हैं, ठीक है, मोटे हो जाते हैं, सूजन आ जाती है उनमें, हाथी पांव नाम से समझ ले। तो इसको जो फैलाने वाला ना, इसका जो कारण है वो होता है फाइलेरिया वैक्स, ठीक है, ये वाला जो है ना ये फैलाता है इसको, फाइलेरियन वैक्स, ये इसके कारण होता है हाथी पांव, या फिर इसको फील पांव भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट, मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। अब ये देखो, मातृ स्वास्थ्य को दे रखा है गर्भावस्था, मतलब जब तक प्रेग्नेंट है तब, और बच्चे के जन्म के दौरान देखभाल, तो ये सही है, पर फिर भी आप और अच्छे ऑप्शन पे जाएं, क्या पता इससे भी अच्छा चला जाए। दे रखा है नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ, प्रसव पूर्व है, ठीक है, फिर प्रसव हो रहा है तब, फिर प्रसव के बाद की अवधि के दौरान, ये ऐसे लिखा गया, अवधि के दौरान देखभाल, तो ये वाला ना अवधि के दौरान, यहाँ पे अवधि के दौरान देखभाल, ठीक है, ये वाला। ये देखो, जब प्रेग्नेंट है उससे पहले, फिर बच्चा हो रहा है उस टाइम, फिर बच्चा होने के बाद मातृ स्वास्थ्य में शामिल किया जाता है, ये अच्छा ऑप्शन है। फिर भी अपन देखें गर्भवती महिला की, क्यों, महिला की थोड़ी, बच्चे की भी तो होगी ना, मातृ स्वास्थ्य के अंदर बच्चे को भी रखा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। सभी नई माताओं की देखभाल, और वो भी कब, बच्चे के जन्म के बाद, हाँ सभी नई माताओं की देखभाल, ये सही है, पर बच्चे के जन्म के बाद नहीं, मातृ स्वास्थ्य में बच्चे के जन्म से पहले भी इंक्लूड किया जाता है, ये सही है, प्रसव से पहले, प्रसव के दौरान, और प्रसव के बाद में, प्रसव हो गया ना उसके बाद में, जो मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है एक तरह से, सारे फैक्चुअल है, आप पढ़ेंगे आपको ध्यान रह जाएंगे। कई कई ऑप्शन आपके पास ऐसे आते हैं जिनमें ए भी सही लगता है, बी भी सही लगता है, देखो ये भी सही है, इसमें ए भी सही है, थोड़ा बहुत इसमें डी भी सही है, ठीक है। तो ये इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपको देखना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे अच्छा ऑप्शन चुने कि सबसे अच्छा कौन सा है। देखभाल तो एनी टाइम होती है, पहले भी होती है, प्रसव के दौरान भी होती है, और प्रसव के बाद भी होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट,
एचआईवी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला तो यह है, एचआईवी क्या है? एक वायरस संक्रमित बीमारी है जो यौन संबंधों से फैलती है। तो ये बोल रहा है कौन सा गलत है। ठीक है, गलत को आपको देखना, एक बार एचआईवी द्वारा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिए जाने के बाद रोगाणु आपके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं। ये बात तो सही है। ठीक है, एक बार हो गया ना तो उसके बाद में आपको दोबारा हो सकती है, तो ये तो सही है। इसने पूछा कि कौन सी गलत है। ठीक है, सेकंड दे रखा है एचआईवी आपकी आरबीसी में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, यही इसका क्या है, रोग है। आरबीसी में जाता तो ये ब्लड में, पर ब्लड में तो तीन सेल होती है, कौन कौन सी? एक होती है आपके पास आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स। अब देखो आरबीसी है ये तो O2 CO2 इनका परिवहन करती है, इस पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बात करें डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी अपने में जो अपना इम्यून सिस्टम है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली, उसको स्ट्रोंग करने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। गलती तो इसने की है पर बहुत छोटी सी। तो इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है तो ये भी सही है, पर आरबीसी होने की वजह से ये रॉन्ग है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जैसे मैंने आपको बताया था चोट लग जाती है तो विटामिन तो कौन सा उत्तरदायी होता है, के, और आरबीसी में मतलब वो ब्लड का कौन सी सेल इसके लिए जिम्मेदार होती है, वो होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही है कि आपकी आरबीसी नहीं, आपकी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, एचआईवी किसी संक्रमण साथी के साथ संभोग के माध्यम से संचरित हो सकता है, ये भी सही है। एचआईवी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके शरीर की रक्षा करने में सक्षम होने से रोकता है, ये भी सही है। ए सी डी तीनों सही है। इसने पूछा गलत कौन सा, तो गलत ये वाला हो गया, ये गलत है। ठीक है, आ गया समझ? इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ते रहें, याद हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। एचआईवी, एचआईवी का दूसरा नाम क्या है? एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया था? वायरल का मतलब वायरस से फैलता है, कौन? एचआईवी। फुल फॉर्म दोनों की पूछ ली जाती है, मैंने इसकी तो आपको बता दी है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका ये नाम है। दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है, दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि किसने ये टेस्ट दिया था। अभी ये तो देखो करंट का ही दिख रहा होगा आपको, सब जानते होंगे, ये तो आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं नाम, करंट के नेम है ये सारे। ठीक है, तो ये देने वाले थे जेपी नड्डा साहब। ठीक है, आपको कहीं दिखे डॉक्टर है तो डॉक्टर हर्षवर्धन कर दें, नहीं डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं है, इसका आंसर है जेपी नड्डा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से मैं बोल रही हूँ एक तरह से करंट का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च की है जिसका लक्ष्य कैंसर, ठीक है, और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना है ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाया जा सके। जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनके पास इलाज के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, तो ये बोल रहा है कौन सी बीमारियां, एक कैंसर से रिलेटेड और एक हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है, उनके इलाज में जितने पैसे लगते हैं उस खर्चे को कम करने के लिए, ये सब की सब क्या है, योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। अब ये इनके जो ब्रेकेट में दे रखी है ना, ये सब इनकी क्या दे रखी है, फुल फॉर्म दे रखी है। तो कैंसर और हार्ट के लिए जो योजना बनी थी ना, उसका नाम है अमृत। अमृत मतलब आप लिखेंगे AMRIT, तो देर उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण, ये इसका फुल फॉर्म है। ये देखो सारी की सारी योजनाएं हैं, हर एक योजना किसी ना किसी में काम आ रही है। ठीक है, और चिकित्सा से संबंधित योजनाएं आपको मैं फिर से बोल रही हूं, करंट के मुद्दे में चलती हैं, ये जीके का क्वेश्चन भी हो जाता है, तो यहां से आप इनको जरूर याद करें, सबकी फुल फॉर्म याद करें और सब ये किस काम में आती है। मोदी जी है ना, ये तो ज्यादातर देखो आयुष, आयुष से ज्यादा रिलेट करते हैं, आयुष्मान भारत, आयुष योजना, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका जो है ना कैंसर और हार्ट का, इसका नाम है अमृत। ठीक है, अमृत योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट, बुखार सामान्य चिकित्सक से संबंधित है, वैसे आंखों की जो दृष्टि है ना उससे रिलेटेड क्या है, आंख, आंख से संबंधित कौन सी है, तो उसका नाम है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ये वाला नाम है, ये वाला नाम किसके लिए रिलेट है, आंख के लिए। ये क्वेश्चन है ना, है तो छोटे छोटे पर आते बहुत है बार बार में। ये देखो कोई टर्म इंग्लिश के काम में ले ली जाती है, कभी हिंदी
कभी ये यहाँ रख दिया जाता है क्वेश्चन में, और ठीक है ये यहाँ पूछ लिया जाता है कि ये ऑप्थेलमिस्ट है ना, ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ ऑप्शन में आता है आंख नाक कान, तो यहाँ क्या करेंगे उसका आंसर आप आंख में, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रखे हैं आपके, आ जाएंगे करवा देंगे आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, इनमें जो रोग दे रखे हैं ना वो यौन से संबंधित दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो HIV ये भी यौन संबंधित है, ठीक है, सुजाक और सिफिलिस ये भी हैं तो यौन संबंधित बीमारियां, पर इसने दे रखा है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम उसको प्रभावित करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, कौन सा वायरस, HIV वायरस। देखो ये जो फैल जाता है ना, वी का मतलब यहां वायरस ही है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका ये नाम है। तो ये देखो जब फैल जाता है ना बॉडी के अंदर, तो आपको अगर जुखाम बुखार भी हो गया ना, नॉर्मल जुखाम बुखार, और उसके लिए जो आप औषधि खाते हैं उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो भी काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले अपने WBC पे अटैक करता है और उसको नष्ट करता है, उसको नष्ट करने के बाद में अपना प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है, तो कोई भी काम नहीं करता। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपके पास में, HIV या फिर इसी का नाम क्या है एड्स, ठीक है, HIV या एड्स, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, पीछे भी आया क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देखो नेक्स्ट, इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, ये बोल रहा है कि मलेरिया ना मलेरिया वो कैसे फैलता है भाई, मच्छर, ये बात किसने बताई है, तो कोई साइंटिस्ट है इनमें से, उसने बताई है मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा, तो ये काम किया था सर रोनाल्ड रोस ने, सबसे पहले उसने देखा था मलेरिया के परजीवी किसको, मच्छर को इसने देखा, ठीक है। ये फिजिक्स में आते हैं आइजैक न्यूटन, ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ये भी साइंस के ही हैं, अपने साइंटिस्ट ही हैं, तो ये इसमें आते हैं माइकल एस ब्राउन, ये एक ब्राउनी गति टेडी मेडी गति होती है, ठीक है, तो ये उसमें चले जाते हैं। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, अभी देखो पहले क्वेश्चन आया था, प्रीवियस क्वेश्चन देखना आप कौन सा था, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये तो मलेरिया वाला आ गया, ये HIV, ये देखो आंखों की दृष्टि से कौन संबंधित है, तो मैंने बोला था वहां भी बोला था, इस ऑप्शन को तो क्वेश्चन को तो यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ ले जा देंगे, ठीक है, फिर पूछ लेंगे किससे, आंख नाक कान त्वचा जो भी देंगे, तो ये वाला फिर से क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन। अब चलते हैं देखो अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अपना ये रहा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है, तो ये करता है आपकी आईज आंखों का, ठीक है, त्वचा का, डर्मिस से रिलेटेड है, सारे अंग अलग अलग आ जाते हैं, हड्डियां विटामिन डी की कमी, उसकी कमी से होता है रिकेट्स, जिसमें क्या होता है ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है, लूप लिए जाते हैं, ठीक है, तो दे रखा है क्वेश्चन देखो, यह फेलोपियन ट्यूब के मार्ग को अवरुद्ध करता है, फीमेल पार्ट में काम आता है, ठीक है, फीमेल पार्ट में फेलोपियन ट्यूब होती है, जिसमें क्या होता है यहाँ पर स्पर्म और ओवम का संयोजन होता है, और आके फिर ये कहाँ, यहाँ आके गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यहाँ ग्रोथ होती है, तो लूप लगा दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे कोपर्टी टाइप ऐसा कुछ लूप यूज किया जाता है, तो ये लूप है ना ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर देता है, जो यहाँ से स्पर्म जाता है और यहाँ से ओवम आता है उनको ऐड नहीं होने देता, तो इसका आंसर क्या होगा, यह है डिम्ब वाहिनी, इसी का नाम है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के मार्ग को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हो गए आपके पास में इतने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, अब ये 20 क्वेश्चन है, इनको आप आराम से पढ़ें, दोस्तों मित्रों आप देखो सबसे पहला काम है आप करें सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप करें लाइक, कुछ कमेंट भी लिखें, ठीक है, अच्छे आप पढ़ते रहें, देखो आप ये ऑनलाइन क्लासों में कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, यही तो होता है टीचर के लिए एक तरह से गुरु दक्षिणा, ठीक है, तो ये काम आप करें, जब आप ये काम करते हैं तो आपको हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और आपको ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं क्वेश्चन अवेलेबल करवाते हैं, जैसे डिजीज खत्म हो जाएगा, डिजीज आप पढ़ लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आप बोलोगे ना, जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो वाला अपन आगे करेंगे कंटिन्यू, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।